मानी नहीं मानी तो जाएंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। किसी ने सौंपा ज्ञापन तो किसी ने खून से लिखा खत। समान कार्य और समान वेतन की मांग, नियमितीकरण की मांग भी। आईटीआई चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों ने, संविदा कर्मियों ने सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, स्वागत है आपका। अस्थायी चिकित्सक, संविदा स्वास्थ्य कर्मी अब सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि वह लगातार कार्य कर रहे हैं। कोरोना COVID-19 जब महामारी के रूप में पूरी दुनिया में फैला, भारत भी संक्रमित हुआ, भारत में भी बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हुए और फिर फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में हमने भी अपनी सेवाएं दी हैं। अब दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है? आप सारे चिकित्सक एकत्रित हुए हैं, कारण क्या है? जैसा कि अभी आपको ज्ञात होगा कि पूरे भारत में COVID-19 नाम की महामारी अपना पांव पसार चुकी है और COVID-19 अस्थायी कर्मचारी, जिसमें आयुष चिकित्सक, कुछ पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ विगत एक साल से अपनी जान हथेली पर रखकर अपना कार्य निरंतर दिन रात एक करके निरंतर कार्य कर रहे हैं। क्योंकि शासन की दोहरी नीतियों के कारण ना तो इन कर्मचारियों को स्थायीकरण किया जा रहा है, ना इनका संविदा में संविलियन किया जा रहा है, ना इनको अच्छा किस्म का वेतन दिया जा रहा है। तो शासन से हमारी ये मांग है कि हमारी मेहनत को देखते हुए, हमारे समर्पण को देखते हुए वो हम लोगों का संविलियन संविदा में करें और समान कार्य समान वेतन देने की हम पर असीम कृपा करें। अन्यथा नहीं तो 2 दिन के अंदर हम लोग काम बंद करके अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे और मध्य प्रदेश की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर आ जाएगी। इसकी जिम्मेदार मध्य प्रदेश का शासन और प्रशासन होगा। अब ये बताइए कि जिले में कितने ऐसे चिकित्सक होंगे, कितने संविदा कर्मी होंगे, जो संख्या कुछ अनुमानित 206 या 207 कर्मचारी, जिसमें आयुष चिकित्सक 25-26 हैं, कुछ नर्सिंग स्टाफ है और पैरामेडिकल स्टाफ। आज बहुत सारे यहाँ पर चिकित्सक एकत्रित हुए हैं, स्वास्थ्यकर्मी भी एकत्रित हुए हैं, क्या कारण है? पहले तो धन्यवाद देने का, तो मीडिया के सम्माननीय को, आज हम सभी आयुष चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस जो पिछले एक वर्ष से अस्थायी काम कर रहे हैं, उनको संविलियन करने की मांग के लिए यहाँ पर CMHO मैडम के यहाँ पर आवेदन दिया है। और दूसरी मांग हमारी है कि हमें समान वेतन समान कार्य का सम्मान दिया जाए, और यदि हमें 2 दिन में ये हमारी मांग नहीं मानेंगे तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। मैडम, आज बहुत सारे यहाँ पर चिकित्सक हैं एकत्रित हुए हैं, स्वास्थ्यकर्मी भी है, आप नर्सिंग स्टाफ भी है, किस कारण से आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं? देखिए, अभी जो विगत वर्षों से हम लोग संविदा स्वास्थ्यकर्मी काम कर रहे हैं और सरकार को अपनी निरंतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, चाहे वो कोई बीमारी हो चाहे कोई महामारी हो। लेकिन अभी COVID-19 के चलते ये बहुत बड़ी विकट समस्या हमारे पूरे विश्व में, समूचे विश्व में फैली हुई है, उसको उससे संसार को बचाने के लिए और हमारे देश को पुनः रूप से स्थापित करने के लिए हम स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान पर खेलते हुए निरंतर 24 घंटे अपनी सेवाएं स्वास्थ्यकर्ता के रूप में दे रहे हैं, चाहे वो आम आदमी हो चाहे वो एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो। हम हर किसी को एक दृष्टि से देख रहे हैं कि वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हमारे चाहे कोई भी विभाग के हो, सभी हम अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। शासन को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि स्वास्थ्यकर्ता अपनी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, चाहे वो आयुष मेडिकल ऑफिसर हो, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे वो एक सफाई कर्मी हो, उनको ये अलग अलग दृष्टि से देखा जा रहा है। अब हम बात करते हैं अन्य विभाग की, तो अन्य विभाग वाले तो इस महामारी में अपना तुच्छ सहयोग प्रदान भी नहीं कर रहे हैं, जहां हम लोग अपनी जान पर खेलकर निरंतर 24 घंटे अपने परिवार से दूर रहकर शासन को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो शासन से थोड़ी सी आशा रखते हैं कि वो इस महामारी में हमारी तुच्छ सेवाएं स्वीकार करें और हमारी जो मांगे हुई हैं आयुष मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ को संविदा में संविलियन करने के लिए, संविदा को समान कार्य समान वेतन नीति लागू करने के लिए, उस पर अपनी विशेष रूप से कृपा करें। और जो हमको भी वही सुविधाएं मिलना चाहिए जो नियमित चिकित्सकों को, नियमित कर्मचारियों को मिलती हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।